हेलो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम एक पेडिस्टल फ़ैन को रिपेयर करेंगे मेरे पास जो ये पेडिस्टल फ़ैन आया है ये लगभग एक साल से कस्टमर के यहाँ पर रखा था और वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इसी को आज हम देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसकी मोटर को मैंने खोल कर ओपिन कर लिया है और बॉडी से अलग कर लिया है तो आज हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसकी मोटर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोटर को मैंने यहाँ पर बिल्कुल अलग कर लिया है आप देख सकते हैं हमारे पास में सिर्फ ये मोटर है और जो फैन की बॉडी कवर ब्लेड थे उनको मैंने खोलकर अलग रख दिया है अब दोस्तों हम इस मोटर को आज रिपेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये पेडिस्टल फैन की मोटर है और इस मोटर में टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वायर हैं तो इसमें प्रॉब्लम है दो वायर से तो ये मोटर चलेगी नहीं जाहिर सी बात है कि इसके या तो वायर टूट गए हैं या फिर वायर गलकर छूट गए हैं तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे सबसे पहले मैं मोटर को ओपन कर लेता हूं जो इसके इस साइड का कवर है और ये कवर है ठीक है दोनों को मैं यहाँ पर खोल लेता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर चार स्क्रू लगे हुए हैं ठीक है तो इनको हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसकी मोटर जो है वो अभी भी ठीक है या फिर मोटर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि ये मोटर आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह है ये पिछले साल का रखा हुआ फैन है कस्टमर ने बताया कि इस साल जब उसने चलाया तो ये फैन जो है वो चला नहीं तो फिर ये मेरे पास रिपेयर के लिए आया है हमने इसके सारे स्क्रू अलग कर लिए हैं और यहाँ पर इसका कवर भी हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से अलग ठीक है आप देख सकते हैं इसमें बुश लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसमें जंक आने की वजह से ये थोड़ा सा टाइट हो गया है ठीक है तो यहाँ पर इसके टप को भी हटा दिया है और इस साइड से इसका रोटर भी निकाल दिया है आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत ज्यादा जाम है क्योंकि ये काफी टाइम से चल नहीं रहा था जिसकी वजह से ये जाम है ठीक है हम इसकी सही तरीके से आ, सफाई करके इसमें ऑयल वगैरह लगा देंगे अब हम बात करते हैं इसके स्टेटर की आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोटर जो है वो हाथ से वाइंडिंग करी हुई मोटर है ये कंपनी की ओरिजिनल मोटर नहीं है इसको यहां पर मैं इसकी सिलाई जो है इसको यहाँ कट कर लेता हूं और सिलाई को यहां पर काटने के बाद इसकी आ, जो कनेक्शन है सबसे पहले तो मैं उन्हें चेक कर लेता हूं ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको इसको बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ काटना है क्योंकि इसकी वायर बहुत ही ज्यादा बारीक होती है इसकी वायर नहीं कटना चाहिए आप ये जरूर ध्यान रखें ठीक है मैं इसके कनेक्शन सारे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन को अलग कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ठीक है अब हम सबसे पहले इसको चेक करके देखेंगे कि ये कनेक्शन जो है ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर इसकी मोटर में भी प्रॉब्लम आ गई है ठीक है तो इसको चेक करने के लिए आप सीरीज बोर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर आप डिजिटल मीटर से भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं मैं फिलहाल सीरीज बोर्ड का यूज करने वाला हूं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं मैंने इसके सारे कनेक्शन को अलग कर लिया है ये पहला कनेक्शन है दूसरा है तीसरा है चौथा है और ये पांचवा है ठीक है पांचों कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अलग कर लिए ठीक है अब हम इसको चेक करेंगे और इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक सौ वाट के बल्ब का यूज करने वाला हूं जो कि मैंने एक टेस्टिंग बोर्ड लैंप बनाया हुआ है और इसको फिलहाल मैंने पावर में यहाँ पर लगा दिया है सबसे पहले तो मैं आपको बल्ब को चेक करके दिखा देता हूं देखिए यहां पर ये हमारी सीरीज जो है ये सही तरीके से वर्क कर रही है ठीक है अब दोस्तों चेक करने के लिए आप किसी भी क्वाइल से स्टार्टिंग कर सकते हैं ठीक है मैं इस क्वाइल से स्टार्टिंग कर लेता हूं देखिए ये हमारी ग्लो हो रही है क्वाइल ठीक है ये क्वाइल भी हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है ठीक है वैसे ही हम इसको ब्लैक को भी चेक कर लेते हैं यहां पर तो ये हमारी ब्लैक वाली वायर भी ठीक है और अगर हम इस वायर की बात करें तो ये भी हमारी वायर ठीक है बल्ब बहुत ही कम ग्लो हो रहा है इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ये दोनों हमारी मेन की वायर है रनिंग स्टार्टिंग की ठीक है तो इसलिए ये जो है कम ग्लो हो रहा है और ये जो तीन वायर है ये तीनों वायर रेगुलेटर की वायर है ठीक है इसलिए ये बहुत ही कम जो है वो लाइट जल रही है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पांचों कनेक्शन जो हैं वो सही हैं रनिंग वाले भी और इस उसके रेगुलेटर वाले भी ठीक है तो यहाँ पर मैं नई वायर लगा लेता हूँ ये दो कनेक्शन को तो मैं नहीं छेड़ूंगा इनको ऐसे ही रहने दूंगा इन कनेक्शन की जगह पर मैं नए वायर लगा देता हूँ तीन कलर के ठीक है तीन अलग अलग कलर के वायर का मैं यूज करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग कलर के वायर को ले लिया है ठीक है तीनों वायर को लगा दिया है अब हम इसकी सोल्डरिंग भी कर लेते हैं सारी वायर की हमने सोल्डरिंग यहां पर कर ली है और अब हम इसको दोस्तों एक स्लिप पाइप इसमें लगाएंगे और इसकी अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे तो मैं फिलहाल दो या तीन नंबर का स्लिप पाइप इसमें लगा लेता हूं दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी अच्छी तरह से यहां पर सिलाई कर ली है और मोटर भी हमारी ठीक हो गई है अब हम इसका कवर लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पर मोटर को भी टाइट कर दिया है अब दोस्तों इसमें हम कॉमन वायर को कैसे पहचानेंगे क्योंकि इसमें ये पांच वायर है इसमें दो वायर हमारे जो हैं वो कॉमन के हैं और बाकी तीन वायर यहाँ पर हमारे स्पीड के हैं कैपेसिटर इसमें कैसे लगाएंगे हम और इसके थ्री स्पीड के, के कनेक्शन कैसे करेंगे ये सब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे